हॉस्पिटल में आज आ पाए हैं और यहाँ पे गोहाना के लोगों के मिल पाए और उनको कुछ न्यूरोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये प्रयास हमारा निरंतर रहेगा और हर महीने हम आएंगे और यहाँ पे न्यूरोलॉजी के मरीजों की जांच करेंगे और वो पेशेंट्स जिनका इलाज यहाँ पे संभव है वो यहाँ पे किया जाएगा, और वो रोगी जो यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते या जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उनको हम एक स्पेशल तरीके से आर्टेमिस हॉस्पिटल में यथासंभव इलाज कराने की कोशिश करेंगे। आर्टेमिस हॉस्पिटल यहाँ से बहुत पास है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे दूर है और वहाँ पर वैसे तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बट वहाँ पर न्यूरो का एक स्पेशल एरिया है और एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेंटर है न्यूरोलॉजी का, और हम बड़े कन्विक्शन के साथ ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो भी पॉसिबल है न्यूरोलॉजी फील्ड में करना वो हमारे हॉस्पिटल में संभव है। हमारे पास लेटेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी कि जैसे मिर्गी का दौरा है, मिर्गी के दौरे में आप जानते हैं दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन उसमें जो एडवांस्ड एपिलेप्सी होती है जो दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाती उसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं। आपने दिल का पेसमेकर सबने सुना होगा, लेकिन दिमाग का पेसमेकर भी होता है एक, जिस मरीज को कंपन बाय होती है जैसे पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हाथ इस प्रकार कांपते हैं, बॉडी स्लो हो जाता है, मरीज झुक के चलने लगता है, तो इसके लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती हैं, परंतु 4-5 साल बाद कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होने लगते हैं कि मरीज दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाते। उस स्थिति में दिमाग में छोटे सूक्ष्म तार डालकर विद्युतीय तरंगें प्रवाहित करते हैं और उन तरंगों से मरीज के सिम्टम्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा ना कि दिल की धड़कन गड़बड़ हो गई तो दिल में पेसमेकर लगा दिया, उसी प्रकार से दिमाग की तरंगें जब अव्यवस्थित हो जाती हैं तो दिमाग का एक पेसमेकर है जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो ब्रेन में ट्यूमर को काट के निकालना पड़ेगा, बट कुछ छोटे ट्यूमर्स 3 सेंटीमीटर से कम साइज के जो कैंसर रहित ट्यूमर्स होते हैं, दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, एक तो कैंसर होता है, एक ट्यूमर होता है लेकिन कैंसर नहीं होता वो, तो जैसे मेनिनजियोमा एक इस प्रकार का ट्यूमर है, सीपी एंगल का ट्यूमर है, तो उसमें पहले पूरी खोपड़ी खोलनी पड़ती थी, मरीज 7 से 8 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता था, आईसीयू में रहना पड़ता था, उसको इन्फेक्शन होने की रिस्क रहती थी। अब हमारे पास में एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिसे हम लेज़र सर्जरी या साइबर नाइफ सर्जरी बोलते हैं, जिसमें मरीज आता है और 45 मिनट बाद घर चला जाता है अपने ट्यूमर का इलाज करा के। तो उसमें क्या होता है कि एक रोबोट है और रोबोट बहुत ही हाई डोज की रेडिएशन एक बहुत ही संकुचित मात्रा में बहुत ही छोटे स्थान पर प्रवाहित करता है, तो वो बार बार हर जगह से जब रेडिएशन पड़ती है तो वो ट्यूमर पूरी तरीके से जल जाता है और धीरे धीरे कुछ वर्षों में वो ट्यूमर बिना ऑपरेशन के पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ब्रेन के वो ट्यूमर जो 7-7 दिन 8-8 दिन ऑपरेशन के बाद करते थे उसका जो खर्चा है वो भी उतना ही है, समय 1 दिन का भी नहीं है, तो 45 मिनट की सर्जरी होती है ये और उसके बाद मरीज फिर वापस चला जाता है। इसी प्रकार लकवे का मरीज है जिसको लकवा मार जाता है, तो आपने सुना होगा कि भाई लकवे में कहते हैं खरोड़े का सूप पिलाओ या कुछ गर्म चीज़ खिलाओ, मालिश करो, कबूतर का खून लगाओ, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब एक इंजेक्शन आ गया है जिसको हम TPA बोलते हैं, उस इंजेक्शन को यदि आप लगाएं तो पहले 4.5 घंटे में अगर जो मरीज ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो वो इंजेक्शन लगा के उसकी खून की नसों को खोला जा सकता है। बट कभी कभी मरीज नहीं पहुंच पाते तो हम खून की नसों के अंदर तार डाल के जो हिस्सा ब्लॉक हो गया है उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो न्यूरोसाइंसेस के विषय में इतना एडवांसमेंट आ गया है साइंस में आज की तारीख में कि आप जो चीज सोच सकते थे पहले अब वो वास्तविकता में संभव है। डॉक्टर साहब अपना यहाँ पे टाइम क्या रहेगा? और महीने में लास्ट वीक में आएंगे हम, मैं या मेरी टीम, कौन से दिन से? लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ 11 से 1 बजे तक कम से कम, बाकी तो रोगियों पे निर्भर रहेगा, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो गोहाना के लोगों के लिए क्या इसमें रहेगा? एक तो कंसेशनल रेट पर हम उनको सुविधा प्रदान कराएंगे, फिर उनका यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट दिलवाया जाएगा, जो टेस्ट वहाँ पे संभव है उनको हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश। दूसरा, आपके डोर स्टेप पे आके ये सेवाएं दे रहे हैं, गोहाना में आके ये सेवाएं दे रहे हैं,
और जो भी एडवांस्ड मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स से जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो रीसेंट एडवांसेस का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ के लोगों को। कंसेशन की आप बात कर रहे हैं, कितने परसेंट कंसेशन होगा? देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है, बट यस कंसेशनल रेट पे सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे आयुष्मान कार्ड भी इसमें आपके? नहीं, आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। अब जैसे सर की ओपीडी फीस ही वहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये फिर भी 500 ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनका लंबे टाइम तक इलाज चलता है, पेशेंट को बार बार गुड़गांव और रोहतक पानीपत के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ये है कि अगर महीने में एक बार न्यूरोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, वो अपने इजीली यहाँ पे कंसल्टेशन पेशेंट आ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ जी, रश नहीं करना। और फिर अगर कोई किसी को इंटरवेंशन होना है, कुछ इंटरवेंशन होना है, तो वो एक बार जाके वहाँ करवाया फिर फॉलो अप में जी, ये बहुत जरूरी है। सर्जरी के बाद बाय द वे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो फॉलो अप यहीं रहकर भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर में क्या है एडवांस ट्रीटमेंट रेफरल सेंटर्स में होता है, बट फिर फॉलोअप के लिए अक्सर मरीजों को वहीं जाना होता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब मरीज़ का दौर आया है, किसी को उसका इलाज वहाँ पे कर लिया, बट उसको बाद में दवाइयाँ किस प्रकार से कम करनी है, बढ़ानी है, वो सब यहाँ पे संभव है। तो सब जी तो हॉस्पिटल में ये शुरू करने खास कोई आपका ये तो हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था, ये यहाँ का फेमस अस्पताल है, इसके बारे में काफी सुना था हमारे मैनेजमेंट ने, इसीलिए हमने इस स्थान को चुना है। वी आर वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद आर्टेमिस हॉस्पिटल, क्योंकि टर्शरी केयर में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जो अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, और हमारा ये जीत हॉस्पिटल में ये एम रहता है कि भाई हम एथिकल ट्रीटमेंट तो दें और पेशेंट के कन्वीनियंट ट्रीटमेंट दें, कि बार बार ना चक्कर कटे, बार बार उसको रिपोर्ट दिखाने ना आना पड़े। तो यही दोनों ने आर्टेमिस एंड जीत हॉस्पिटल का मिलके ये गाइडेड हमारा ये प्रिंसिपल रहेगा आगे की न्यूरोलॉजी ओपीडी को लेके भी। तो यहाँ तो फिलहाल केवल आप ओपीडी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना? नहीं, देखिए अब कई प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट है, जैसे किसी की नस यहाँ पे दबी हुई होती है, उसके लिए एक इंजेक्शन लगता है, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, वो इंजेक्शन मुश्किल से 3 से 4 मिनट का काम है हमारे लिए जी, जी। और वो उसके लिए किसी एक स्पेशल स्थान की आवश्यकता नहीं होती। फिर जैसे आपने सुना होगा मुँह ऐसे ऐसे करके, वो आपने कविता सुनी होगी ना, चल गई, जिसमें फेस टेढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से आंखें चलने लगती हैं, उसको हमें फेशियल स्पाज़म बोलते हैं, उसमें बोटॉक्स का एक इंजेक्शन लगता है, 5 मिनट का काम है, बट मरीज को वहां तक आना पड़ेगा इंजेक्शन लगाने के लिए। यदि मुझे पता हो कि इस मरीज को यहाँ पे इंजेक्शन लगना है, तो वो मैं वहां से लाके यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकता हूँ। तो ये सिर्फ ओपीडी कंसल्टेशन नहीं, जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए हमें किसी बहुत हाई एंड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं हो सकती, वो यहाँ पे बड़े आराम से किए जा सकते हैं। बस फुली फंक्शनिंग ओटी है, सो व्हाटएवर सर्जरीज कैन बी डन हियर, जो सर्जरी यहां हो अभी से शुरुआत हो सकती है। जैसे कोई न्यूरो सर्जन आपने कोई न्यूरो से संबंधित आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो बस घंटे यहां तो कोई रहेगा ना, महीने में आप तो एक बार आओ, कोई मंथ के रहे ना भैया? नहीं, मैं तो ओपीडी की सुविधा ही प्रोवाइड कर सकता हूं। नहीं, हम तो देखते हैं डॉक्टर साहब, तो नहीं जी, एमडी मेडिसिन है डॉक्टर भालो, तो फॉलो अप उनके पास भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।